दोस्तों, आप आपके घर में जितने भी रिमोट्स आप यूज करते हैं, आप उनको हटा दीजिए, क्योंकि अब मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जिसको आप आपके मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए, और उन सब एप्लीकेशन को, चाहे वो टीवी हो, सेटअप बॉक्स हो, एसी हो, या जो भी कुछ आपका रिमोट से कंट्रोल होता है, वो आप आपके मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं इस चैनल पर मोबाइल, लैपटॉप, ऑनलाइन अर्निंग और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोज़ डालता रहता हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करिए, इसके बाद यहाँ पर आप सर्च कीजिए पील स्मार्ट रिमोट। जैसे आप सर्च करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन जो मिलेगा आपको, पील स्मार्ट रिमोट टीवी गाइड, इसको आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे 50 मिलियंस लोगों ने इसको इंस्टॉल किया हुआ है और इसका रेटिंग 4.1 का है। इट मीन्स ये बहुत अच्छा और बहुत पॉपुलर ऐप है, तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ट्वेंटी टू पॉइंट एट वन एमबी का ऐप है, कोई बहुत ज़्यादा एमबी इसमें यूज़ नहीं होने वाला है। दोस्तों, कुछ इस तरह से इसका सिंबल दिखेगा, इसको आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये परमिशन मांग रहा है, इसको अलाउ करना है आपको। अलाउ के बाद लेट्स गो पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको आपका टीवी सेलेक्ट करना है। काफ़ी सारे, ऑलमोस्ट सभी टीवी से यहाँ पे आप देख सकते हैं, सैमसंग, सोनी, एलजी, पैनासोनिक, ओनिडा, माइक्रोमैक्स। यहाँ पे मैं अपना माइक्रोमैक्स टीवी सेलेक्ट करता हूँ। देन उसके बाद आपकी टीवी के सामने जाके आपको ये टैप बटन यहाँ पे बोल रहा है, इसको आपको प्रेस करना है। इसको अलाउ करना है, यस। देन सेकंड इसको प्रेस करना है, इसको यस करना है। उसके बाद आपको आपका सेटअप बॉक्स, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, सेटअप बॉक्स आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप आपका सेटअप बॉक्स यूज़ नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है आई एम अ केबल यूज़र, तो केबल यूज़र पे सेलेक्ट करना है। पहले मैं सेटअप बॉक्स का दिखाता हूँ, उसके बाद केबल यूज़र का मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे डिश टीवी आपको सेलेक्ट कर लेना है, मैं डिश टीवी चला रहा हूँ। देन अगेन डिश टीवी के सामने, सेटअप बॉक्स के सामने जाके मेरे को ये चैनल वाला एक बटन प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे मेरे को एज कंफर्म करना है, आप कोई भी एज सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने 25 to 35 सेलेक्ट किया। देन इसके बाद यहाँ पे आपको नो कर देना है। नो करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे एक अच्छा फीचर है, यहाँ पे दिखा रहा है आपको नाउ, लेटर, गाइड, वीडियो। नाउ मीन्स अभी आपके जो सेटअप बॉक्स पे क्या क्या पॉपुलर है, यहाँ ट्रेडिंग में दिख रहा है, हिंदी मूवीज क्या क्या चल रही हैं, कौन से चैनल पे, वो यहाँ पे दिखा रहा है। इंग्लिश मूवीज दिखा रहा है, तमिल मूवीज दिखा रहा है। इसी तरह से लेटर, मतलब आगे क्या आने वाला है, इन दिस वीक में ये मूवीज यहाँ पे आने वाली हैं, वो दिख रहा है। उसके बाद स्पोर्ट्स में क्या आने वाला है, वो दिखा रहा है। दोस्तों, एक गाइड का यहाँ पे ऑप्शन है, गाइड में आप देख सकते हैं कि अभी ये टाइम पे कौन से चैनल पे कौन सा एपिसोड चल रहा है, वो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं, और उस चैनल का नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक पूरी लिस्ट आ जाती है यहाँ पे चैनल की। और उसके बाद ये वीडियो का एक ऑप्शन है, वीडियो में दोस्तों यहाँ पे अभी ये बाहुबली का ट्रेलर बहुत पॉपुलर है। इट मीन्स जो भी पॉपुलर और अभी अभी नए ट्रेलर्स वगैरह लॉन्च हुए हैं, जो भी पॉपुलर है, वो यहाँ पे शो करेगा। तो ये तो आपका एक एक्स्ट्रा फीचर्स हो गया, लेकिन अभी हम रिमोट पे चलते हैं। तो यहाँ पे एक येलो कलर का आपको सिंबल दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा यहाँ पे ऊपर में डिश टीवी शो कर रहा है और टीवी शो कर रहा है। तो ये मेरा डिश टीवी का रिमोट है यहाँ पे, और अगर मुझे टीवी पे जाना है तो टीवी का रिमोट है, ये टीवी का रिमोट आ गया है। और अगर मेरे पास और भी अदर कुछ है, जैसे होम थिएटर है, एसी है, तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, होम थिएटर, एवी, एचडीएमआई स्विच, साउंड बार, काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, वो वाला रिमोट भी यूज कर सकते हैं ऐड। जैसे कि मैं यहाँ पे साउंड बार यूज करता हूँ, तो साउंड बार में कौन सा है वो सब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शंस हैं, रूम, रूम में आप आपके रूम का, हॉल का, या फिर मल्टीपल रूम्स हैं तो उनका आप अलग अलग यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, और वहाँ पे आपके टीवी या जो जो एप्लीकेशन है उनको यहाँ पे, उनका रिमोट यहाँ पे ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी टीवी में केबल कनेक्शन है तो आपको लास्ट ऑप्शन आई एम अ केबल यूजर सेलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इंडिया ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका रीजन सेलेक्ट करना है, तो जैसे कि जो भी आपका स्टेट है आपको वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने ये गुजरात सेलेक्ट किया है। देन उसके बाद आपका जो सिटी है, सिटी का नाम यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा लिस्ट आ जाएगा।
तो मैंने यहाँ पे अहमदाबाद सेलेक्ट किया। उसके बाद आपके लोकल एरिया में जितने भी केबल प्रोवाइडर्स हैं उसका नाम यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। तो जो भी आपका केबल प्रोवाइडर है आपको यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेना है। और अगर नहीं है यहाँ पे, इस लिस्ट में नहीं है, तो यहाँ पे कैन नॉट फाइंड पे क्लिक करना है। उसके बाद स्किप एंड कंटिन्यू रिमोट सेटअप, इस पे क्लिक करके आपको आपका रिमोट सेट कर लेना है। ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। और अगर जो भी केबल प्रोवाइडर है जैसे कि डिश टीवी या वीडियोकॉन है, जो भी है, तो उस पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ डिश टीवी सिलेक्ट करा है। उसके बाद सेम प्रोसेस करना है आपको, आपके सेटअप बॉक्स के सामने जाके ये बटन प्रेसेस करना है और ये ऑटोमेटिक ले लेगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंप्लीट डिश टीवी का रिमोट आ गया है यहाँ पे। और सेम इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टीवी का रिमोट आ गया है। तो चलिए एक बार चेक करके देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों रिमोट्स अपने टीवी के सामने रखे हुए हैं और अभी मैं अपने मोबाइल से इसको कंट्रोल कर रहा हूँ टीवी को। तो अभी मैंने वॉल्यूम पूरा ऑफ करके रखा है, मैं अभी इंक्रीज़ करता हूँ वॉल्यूम। तो आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसका वॉल्यूम यहाँ पे कम हो रहा है। उसके बाद अगर मैं चैनल चेंज करता हूँ तो ये चैनल भी चेंज हो रहा है। उसके बाद अगर मैं इसको म्यूट करता हूँ तो यहाँ से ये म्यूट हो गया है। अगर मैं यहाँ से बंद करता हूँ, इसको ऑफ करता हूँ, तो यहाँ से सेटअप बॉक्स ऑफ, तो ये सेटअप बॉक्स ऑफ हो गया है। अगर मैं अगेन ऑन करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, एलईडी जल गया, सेटअप बॉक्स ऑन हो गया है। दोस्तों अगर आपके मोबाइल से कुछ बटन्स काम नहीं कर रहे हैं, अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं आपके सेटअप बॉक्स से टीवी को, तो आपको घबराना नहीं है। कभी कभी क्या होता है, एक से ज़्यादा मॉडल्स की टीवी रहते हैं तो रिमोट भी थोड़ा डिफरेंट रहते हैं। तो आपके यहाँ डाउन साइड आके यहाँ पे देखना है ट्रबल शूट रिमोट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ देखेंगे आप एडिटिंग के कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको। तो आपको क्या करना है, जो भी बटन आपका काम नहीं कर रहा है उसको आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि चैनल अप का बटन काम नहीं कर रहा है दोस्तों। बट इस कंडीशन में आपके मोबाइल में इंटरनेट चालू होना चाहिए क्योंकि ये सर्वर से डाटा लेता है। तो आपको अगर चैनल आपका बटन काम नहीं कर रहा है तो उसको आपको प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे बटन्स आते हैं, आपको ये बटन को यहाँ पे जो ब्लू दिख रहा है इसको आपको क्लिक करना है टीवी के सामने जाके। तो अगर ये आपका काम कर रहा है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। ऐसे बटन नंबर 2 आएगा, इसी तरह से इसको प्रेस करके चेक करना है, अगर ये काम कर रहा है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। ऐसे कंटिन्यू बटन आते रहेंगे और एक ना एक बटन आपका जो मिल जाएगा जो कि आपके टीवी में काम करेगा, उसके बाद आपको उसको यस कर देना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पे डन करना है। डन करने के बाद आप उसको चेक कर सकते हैं आपका बटन काम करने लगा है। अगर एक से ज़्यादा बटन है तो उसके लिए भी आपको सेम प्रोसीजर करना है। और इन केस अगर फिर भी नहीं चलता है तो यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है, एंटर योर सेटअप बॉक्स मॉडल नंबर। तो यहाँ पे आपको आपके सेटअप बॉक्स का मॉडल नंबर डालना है, उसके बाद वो पूरा एज इट इज़ रिमोट ले लेगा, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ मिला है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नहीं मिला तो डिसलाइक कीजिए। अगर कुछ सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।